नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन आनंद सिंह, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल समाचार जंक्शन पे। आज हम बात करने वाले हैं भारत चीन के बीच सीमा विवाद के कारण क्या चीन अभी भारत से युद्ध का जोखिम ले सकता है। अगर आपका जवाब है नहीं तो ऐसा क्या कारण हो सकते हैं, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरी दुनिया में कोरोना बांटकर चीन मंदी और आंतरिक मुद्दों से जूझ रहा है। ताइवान और हांगकांग बगावती तेवर अपनाए हुए हैं। चीन को सबसे बड़ा डर लोकतंत्र से लगता है। ऐसे में अपने देश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए वह युद्ध का माहौल निर्मित कर रहा है। अपनी विस्तारवादी नीति के चलते चीन अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में काफी विरोध झेल रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या चीन अभी भारत से युद्ध का जोखिम ले सकता है? जवाब है नहीं। चीन ऐसा क्यों नहीं कर सकता, उसके पीछे का वजह जानते हैं। नंबर एक, कोरोना वायरस। कोरोना वायरस की वजह से चीन दुनिया में हर तरफ से घिर चुका है। हर देश चीन पर उंगलियां उठा रही है और चीन के खिलाफ जांच करने की मांग लगातार तेज होते जा रही है। कोरोना का सबसे घातक असर अमेरिका और यूरोप में देखने को मिला, जहां हजारों लोगों की मौत हो गई है। यह सिलसिला अभी भी जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कोरोना को चीनी वायरस ही बता चुके हैं। अमेरिका से यूरोप तक चीन को अलग थलग करने की मांग उठ रही है। चीन दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है। आने वाले दिनों में चीन की मुश्किलें और बढ़ने वाली है। नंबर दो, सैन्य तैनाती। एक युद्ध के दौरान किसी देश को चाहिए होता है कि वह फ्रंट लाइन पर अपनी सेनाओं को जल्द से जल्द पहुंचा पाए, और यह वो आखिरी काम है जो चीन अभी कर सकता है। चीन इस वक्त कई मोर्चे पर लड़ रहा है। इसकी जमीनी सेना, नौसेना, युद्ध विमान सभी इस वक्त व्यस्त है। एक तरफ चीन लड़ाकू जेट ताइवान के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ करने में व्यस्त है, वहां वही एकीकरण की लड़ाई लड़ रहा है, और दूसरी तरफ चीन ने दक्षिण चीन सागर में अपने जहाज लगा रखे हैं, जो पानी और उसके द्वीपों पर अपना दावा मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। अकेले दक्षिण चीन सागर में बीजिंग ताइवान, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनाई, इंडोनेशिया और मलेशिया के खिलाफ खड़ा है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी कृत्रिम द्वीप बना रही है और वहां अभ्यास कर रही है। यही नहीं, चीन के संबंध अभी जापान के साथ भी खराब है, क्योंकि बीजिंग के जहाज हाल ही में जापानी जल सीमा में प्रवेश कर गए थे। ऐसा करते हुए जापान सातवां देश बन गया जिसके साथ चीन का जल विवाद हो। उसके बाद आता है हांगकांग, और वहां लोकतंत्र समर्थक आंदोलन चल रहा है। भारत के साथ युद्ध करने का मतलब होगा हांगकांग से अपना ध्यान हटा लेना, और बीजिंग यह नहीं चाहता कि वहां विद्रोह हो। नंबर तीन, आंतरिक संघर्ष। चीन पहले से अपने घरेलू मामलों पर संघर्ष कर रहा है। चीन अभी भी तिब्बत पर अपने दावों को वैध बनाने की लड़ाई लड़ रहा है। बाहरी मंगोलिया के दोबारा एकीकरण के भी वकालत कर रहा है। इसके अलावा चीनी सैनिक सिंगजियांग में उयुगर मुसलमानों के अभियोजन में लगे हुए हैं, और यह भी कहा जा रहा है कि बीजिंग में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का भी खतरा है। क्या चीन इन सभी मोर्चों को छोड़कर भारत चीन सीमा पर जा सकता है? नंबर चार, चीन पर आर्थिक संकट। चीन की अर्थव्यवस्था डामाडोल है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। कोरोना काल में चीन पर से दुनिया का भरोसा उठने लग गया है। एक वक्त था जब चीन निर्माण क्षेत्र का सबसे अहम देश हुआ करता था, लेकिन अब विकसित और विकासशील दोनों तरह के देश चीन से अपने प्लांट शिफ्ट करने की तैयारी कर रही है। वहीं भारत को दुनिया एक नए अवसर की तरह देख रही है, और कई विदेशी कंपनियां भारत में निवेश करने की तैयारी कर चुकी है। चीन कहीं ना कहीं भारत की मजबूत हो रही अर्थव्यवस्था से भी बौखलाया हुआ है। चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर चल रहा है, और कोरोना से आई मंदी के दौर में चीन के लिए इससे निपटना आसान नहीं है। नंबर पांच, व्यापार युद्ध। चीन अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध कर रहा है। हालांकि आर्थिक रूप से युद्ध तो वो ऑस्ट्रेलिया के साथ भी लड़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध में चीन को 2019 में पहली छमाही में $35 बिलियन का नुकसान हुआ था। कंप्यूटर और ऑफिस मशीनरी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए क्षेत्रों में से एक थे। भारत से लड़ने का मतलब होगा भारतीय बाजारों से भी हाथ धो बैठना, और अकेले निर्यात से $75 बिलियन से ज्यादा का नुकसान उठाना। भारत के साथ युद्ध का जोखिम नहीं लेने का एक और भी कारण है, वह है कर्ज में डूबे पाकिस्तान और बिनर में नेपाल को छोड़कर वर्तमान में चीन के पास सहयोगियों की कमी,
जबकि दूसरी ओर भारत को कूटनीतिक और सैन्य रूप से दुनिया की प्रमुख शक्तियों का समर्थन प्राप्त है। अगर चीन लद्दाख में हमला करता है तो उसे सभी मोर्चों से अलग कर दिया जाएगा और उसकी अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी। चीन को कूटनीतिक रूप से अलग थलग होने का खतरा है और हो सकता है कि चीन इस आघात को झेल ना पाए। नंबर 6, चीन की अनफिट सेना। चीन की सेना दिखती ताकतवर है लेकिन अंदर से वो कमजोर है। भले ही चीन अपनी सैन्य तैयारियों का वीडियो दिखाए, अपनी शक्ति का प्रोपेगेंडा करे, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर जंग की नौबत आ गई तो चीन की सेना भारत के सामने टिक नहीं पाएगी। यह बात खुद चीन के रक्षा विशेषज्ञ भी मानते हैं। भारत और चीन के बीच LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का ज़्यादातर हिस्सा पहाड़ी इलाका है और इस क्षेत्र में युद्ध के लिए भारत की सेना चीन के मुकाबले ज़्यादा अनुभवित और ताकतवर है। नंबर 7, भारत की ताकत। चीन को भारत की सेना की ताकत का पूरा अंदाज है। उसने देखा है कि 1962 के जंग के बाद भारत की सेना और भी ज़्यादा काबिल, जिम्मेदार और रिस्पॉन्सिव हो चुकी है। दोनों देश की सेनाएं कई साल से एक साथ आपदा की स्थिति में राहत और बचाव कार्य एक साथ करती है और आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन में भी साथ काम करती है। ऐसे में एक दूसरे की सैन्य ताकत की समझ बढ़ चुकी है और दोनों ही ऐसा कोई नौबत नहीं चाहेगी, क्योंकि उन्हें पता है कि उसका नतीजा क्या होगा। खास करके तब जब भारत ने हाल ही के समय में यह साबित करने में हिचकिचाहट नहीं दिखाई कि उकसाए जाने पर वह ताकत का इस्तेमाल भी कर सकता है। चलिए इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी देश दुनिया की रोचक जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।